Good morning, dear students. In the previous video of chapter 3, the noun its kinds, we have already read about the noun and we read two kinds of noun, common noun and proper noun. What is the noun? Naming words are noun. Then common noun, a common noun names a general person, place or thing. And second, proper noun, a proper noun names a specific person, place or thing. The first letter of a proper noun is always capital. So my dear, I hope that you have already read about it. Now come to the kind third, collective noun. What is the collective noun? A collective noun is a special noun used for a group or people, animals or things taken as one. मतलब group के लिए जो एक word use किया जाता है वो किसमें आता है? Collective noun में आता है. For example, a herd of cattle. मतलब पशुओं का जो समूह होता है या जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? Herd बोलते हैं. A fleet of ships. और ships का जो हवा होता है समूह उसको क्या बोलते हैं? Fleet बोलते हैं. इस तरह से समूहों को कोई एक शब्द में बताने के लिए जिस प्रकार के नाउन को यूज किया जाता है वो किस में आता है? कलेक्टिव नाउन में आता है. नंबर फोर, मटेरियल नाउन. व्हाट इज द मटेरियल नाउन? दीज आर रॉ एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सिस्टिंग इन नेचर. दीज आर कॉल्ड मटेरियल नाउन. मतलब प्रकृति के द्वारा जो हमको चीजें कच्चे रूप में प्रदत्त होती हैं वो किस में आती है? मटेरियल नाउन में आती है. फॉर एग्जाम्पल, आयरन, वूल, गोल्ड, मिल्क, कॉटन एटसेट्रा. नंबर फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? मतलब भाववाचक संज्ञा. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन, सिचुएशन और थिंग. मतलब किसी व्यक्ति के भाव या उसकी वस्तुओं की चीजों को अच्छा, कुछ अच्छा बुरा प्रदर्शन करने के लिए जिस प्रकार के शब्द को हम व्यक्त करते हैं वो किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिचनेस, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, फाइटिंग एटसेट्रा. सो डियर स्टूडेंट्स, टूडे यू हैव टू राइट द नोट्स अबाउट कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ कम टू द एक्टिविटी. पेज नंबर 16, एक्टिविटी सॉल्विंग ए. अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेल देयर टाइप. आपको नाउन के नीचे अंडरलाइन करना है और वो कौन सा नाउन है वो आपको बताना है. उषा इज अ गुड टेनिस प्लेयर. उषा इज अ गुड टेनिस प्लेयर. सो उषा एंड टेनिस बोथ आर नाउन एंड बोथ आर प्रॉपर नाउन. सेकेंड, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल. सो दिस इज कॉमन नाउन, बुक्स एंड टेबल. नंबर थर्ड, द ताजमहल इज इन आगरा. सो ताजमहल एंड आगरा बोथ आर प्रॉपर नाउन. नंबर फोर, अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट. सो दिस इज कॉमन नाउन, डॉक्टर एंड पेशेंट्स. नंबर फिफ्थ, अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग. सो दिस इज कलेक्टिव नाउन. एंड नंबर सिक्स, वी फाइंड सैंड एंड सेल्स ऑन द बीच. सो सैंड एंड सेल्स बोथ आर मटेरियल. सो इट इज मटेरियल नाउन. सो डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी ए यू हैव टू डू इन बुक. नाउ कम टू द एक्टिविटी बी. एड वन मोर नाउन टू ईच ग्रुप. आपको इन नाउन के ग्रुप में एक और कलेक्ट जोड़ना है. फर्स्ट पिजन, पैरट्स, क्रोस. नेक्स्ट स्पेरोस. सेकेंड दिल्ली, आगरा, गोवा. नेक्स्ट मुंबई. नंबर थर्ड, पोस्टमैन, पुलिसमैन, मिल्कमैन एंड डॉक्टर. नंबर फोर, पेन, पेंसिल, इरेजर, चॉक. नंबर फाइव, कर्टेन, विंडो, फ्लावर, वेस, डोर्स. एंड नंबर सिक्स, एप्पल्स, मैंगोज, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स. दिस एक्टिविटी बी यू हैव टू राइट इन अ नोटबुक एंड लर्न द गिवन वर्क. थैंक यू.